और अब अंग्रेजों के जमानों के पुलों की पड़ताल। एक पुल जो बह गया, एक पुल जिसके साथ 40 जिंदगियां लापता हो गई। 10 दिन बाद भी जहां तलाश जारी है, वो पुल जिसे पिछले साल ही तोड़ा जाना था, लेकिन सावित्री नदी पर ये पुल चलता रहा, जिंदगी भी चलती रही। फिर एक दिन हादसा हो गया, करीब 100 साल पुराना पुल पानी में समा गया। सिर्फ महाराष्ट्र में ही 2300 में से 100 पुल अंग्रेजों के जमाने के या फिर उससे पुराने हैं। एबीपी न्यूज ने देश के उन पुलों की पड़ताल की है जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 5 राज्यों में हमने अंग्रेजों के जमाने के बनाए पुलों का हाल देखा। क्या ये पुल चलने लायक हैं? क्या इन पुलों के हवाले जिंदगी की जा सकती है? क्या मरम्मत के नाम पर पुलों को जिंदा रखना जरूरी है? 100 साल पुराने पुलों का क्या है हाल? क्योंकि आपकी जान का है सवाल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में आज बस के कुछ हिस्से मिले। सावित्री नदी में पुल टूटने से 2 अगस्त को गिरी बस के टुकड़े आज मिले। अंग्रेजों के जमाने में बने पुल को चालू हालत में रखा गया, इसकी जिम्मेदारी अभी तय होना बाकी है। एबीपी न्यूज ने देश के 5 राज्यों में अंग्रेजों के बनाए पुलों की पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की कि क्या उन पर सफर करना खतरे से खाली है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के चुनाव क्षेत्र विदिशा के बाहर रंगई गांव में बेतवा नदी पर बना पुल। 1857 में बने इस पुल की हालत इतनी खस्ताहाल हो चुकी है कि गाड़ियां गुजरते हुए पुल में कंपन होने लगता है। पुल का हाल देखने से पहले जान लीजिए पुल के बनने की कहानी। विदिशा के इस रंगई पुल की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तत्कालीन ग्वालियर महाराजा ने विदिशा के एक जमींदार पर 1 आने का जुर्माना किया। जमींदार का कहना था कि मैं जुर्माना भरकर अपराधी नहीं बनूंगा, मगर उस जुर्माने का कई गुना ज्यादा पैसे देकर इस शहर के लिए कोई बड़ा काम कर दूंगा। फिर रास्ता ये निकाला गया कि जमींदार ने कई गुना ज्यादा पैसे खर्च करके इस पुल का निर्माण किया। ये पुल तकरीबन 150 साल की अपनी आयु पूरी कर चुका है और आज भी विदिशा की जनता की सेवा कर रहा है। बारिश के दिनों में पुल पर बड़े गड्ढे हो जाते हैं जिनमें गाड़ियां फंसती हैं। इस संकरे पुल पर लगने वाले लंबे जाम आम बात है जिनसे लोग परेशान होते हैं। पुल की रेलिंग टूटी हुई है तो मेहराबों पर पीपल के पेड़ उगाए हैं। डर तो लगता ही है, लेकिन फिर भी वन वे है, थोड़ा बड़ा पुल बने, मेंटेनेंस हो तो ठीक रहेगा। काफी पुराना पहले वो मेन विदिशा आने जाने का यही रास्ता है, और कोई बाईपास नहीं है। भोपाल को सागर और कानपुर से जोड़ने वाले इस पुल के पुराने होने के बाद भी ट्रैफिक कम नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन पुल की मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहा बल्कि नए पुल के बन जाने का इंतजार कर रहा है। ये जो पुल जिस पे इतना ट्रैफिक जा रहा है, इसकी मरम्मत की कुछ इंतजाम होता है या नहीं? कभी नहीं, इसकी अभी फिलहाल में मरम्मत का तो कुछ नहीं है, क्योंकि नया पुल प्रस्तावित है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। जब वो बन जाएगा तब ये बंद कर दिया जाएगा। नया पुल तो अगले साल से शुरू होगा, लेकिन तब तक का क्या? और अब तक इस पुल के लिए सरकार ने क्या किया? प्रमोद व्यास ने RTI लगाकर जानकारी जुटाई तो पता लगा कि ये पुल अपनी उम्र पूरी कर चुका है और कागजों पर मरम्मत के प्रस्ताव कई बबार बने लेकिन काम नहीं हुआ। 3 जगह एक साथ RTI लगाई, जिला कलेक्टर में, PWD में, NH में, और तीनों के जवाब गोलमोल घुमा फिरा के ही आए। कोई भी उस पुल की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। 2 बार पुल का खर्चा हुआ, 1,17,000 रुपए खर्च करा नेशनल हाईवे ने किया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस पुल की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जानकार बताते हैं कि 12 टन की क्षमता वाले पुल पर 40 से 50 टन के भारी ट्रक भी गुजरते हैं। अब विदिशा के लोग चाहते हैं कि पुल को बंद करने की जगह इसकी मरम्मत और देखभाल होनी चाहिए और हैवी ट्रैफिक बंद करके पुल की उम्र बढ़ानी चाहिए। आधी हिंदी और आधी उर्दू में लिखे इस शिलालेख को देखने से पता लगता है कि तकरीबन 150 साल पुराना ये पुल जनता की भलाई के नाम पर बनाया गया था,
मगर जनता की भलाई का दावा करने वाली सरकारें अब इस पुल की उपेक्षा कर रही हैं और इस पुल को मरम्मत की बड़ी दरकार है, मगर सरकार बजाय इस पुल के मरम्मत करने की एक नया पुल बनाने की तैयारी कर रही है। राजधानी दिल्ली का ये वो पुल है जिसके ऊपर से आपको ट्रेन भी गुजरती दिखेगी, इसलिए क्योंकि पुल में सुराख बड़े बड़े हैं। जर्जर हालत में लोहे के पुल के ऊपर से रफ्तार में ट्रेन गुजर रही है और नीचे भारी ट्रैफिक धीमी रफ्तार में चल रहा है। दिल्ली का मशहूर लोहे का पुल, तकरीबन 150 साल पुराने इस लोहे के पुल पर इस समय हम मौजूद हैं, जो कि यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। दरअसल एक डबल डेकर पुल ये है, जिसमें ऊपर की ओर से रेलगाड़ियां गुजरती हैं और नीचे तमाम वाहन गुजरते हैं जो रोजाना यमुना को पार करने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। जॉइंट्स इतने जर्जर हालत में हो चुके हैं, ऊपर जिन जगहों से ट्रेन गुजरती है वो जगह आप देख सकते हैं कि किस तरह से खस्ता हाल है। में बनकर तैयार हुआ दिल्ली का लोहा पुल पुरानी दिल्ली को शाहदरा से जोड़ता है। पुल से रोजाना करीब 200 रेलगाड़ी गुजरती है और यमुना पार से छोटे व्यापारी दिल्ली के बड़े बाजारों में सामान ले जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। पुल पर हर वक्त भीड़ रहती है और हालत देखिए, सालों पुराना लोहा होने की वजह से कई जगह जंग लगकर लोहा गल गया है। पूरा पुल जॉइंट्स पर बना हुआ है और इस तरह से जॉइंट्स अलग हो चुके हैं। सड़क पर जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। इन दरारों में से सड़क के बीच पड़े लोहे के गार्डर सड़क पर ही आ गए हैं और इसी पर से होकर ट्रैफिक चलता रहता है। कायदे से तो बारिश में सिर छिपाने के लिए भी पुल काम आना चाहिए, लेकिन यहाँ हालात कुछ और ही हैं। 2-2.5 साल से ये हालत है, ऐसी रोड की हालत है, ऐसे ऊपर से पुल सारा टूटा हुआ है। बरसात के टाइम में पैदल यात्रियों के लिए आना जाना वो बहुत मुश्किल है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले के लिए बहुत असुविधा। ऊपर से पानी गिरता है, गंदा पानी और गिरता है, ट्रेनें जब आती जाती हैं तो बहुत गंदा गंदा पानी गिरता है, बहुत बुरी हालत है। बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है कभी भी, मतलब पता नहीं कि सरकार हादसे का इंतज़ार कर रही है क्या। इस पुल का तुरंत मतलब या तो बंद कर देना चाहिए इसको, या इसका अच्छी तरह से निर्माण करना चाहिए। इस लोहे के पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी उत्तर रेलवे के पास है, जबकि पुल पर बनी सड़क का रखरखाव नगर निगम के जिम्मे है। रेलवे का दावा है कि पुल सही हालत में है और समय समय पर इसकी मरम्मत होती रहती है। दो लेवल पे मॉनिटरिंग रेगुलर होती है और कहीं भी रेलवे सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इसमें एक एनुअल इंस्पेक्शन भी है, 3 साल बाद वाला भी है, और जो माइनर रिपेयर्स की कई बार जरूरत होती है, जहाँ पर मान लीजिए कुछ जगह जंग वंग लगी हुई है, तो उसको हम वर्क अवार्ड करके उसको रिपेयर कराते हैं। इतना पुराना पुल होने की वजह से इसकी जगह एक नए पुल का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, लेकिन फिलहाल ये प्रोजेक्ट कई साल से अटका पड़ा है। पुल का ये हाल है कि रेलवे ने ट्रेनों को रफ्तार कम करने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। यमुना में पानी बढ़ जाता है तो कई बार पुल बंद भी कर दिया जाता है। इन सब के बावजूद दिल्ली वालों की जिंदगी इस पुल के भरोसे है। पटना से 60 किलोमीटर दूर आरा के कोइलवर के पास अंग्रेजों के जमाने में बना यह है अब्दुल बारी पुल। आजादी के कई साल बाद तक सोन नदी पर बना यह एशिया का रेल और सड़क का सबसे बड़ा पुल हुआ करता था। हम आज पड़ताल करेंगे इस पुल की कि अंग्रेजों के जमाने में बना यह पुल कितना मजबूत है। हम चलते हैं इस कोइलवर पुल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आखिर इस पुल में कितना दम है और कितने सालों तक इसी तरह से अपनी सेवा ये दे पाएगा। इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के पास है। 2006 में जब सांसद आर के सिंह अधिकारी हुआ करते थे, तब आखिरी बार इस पुल के मरम्मत का काम हुआ था, लेकिन 10 साल बाद पुल की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। पहली नजर में तो पुल दुरुस्त नजर आता है, जिसके ऊपर से ट्रेन और ट्रैफिक सामान्य तरीके से गुजर रहा है, लेकिन पुल की हकीकत इसके नींव से पता चल रही है। ऊपर में रेलवे मेंटेनेंस करती है और बीच में भी होता है, नीचे में नहीं होता है, इसलिए स्थिति खराब हो रही है। क्या मेंटेनेंस नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ऐसे नीचे में? इसे पाया के निचला छोर है तो सब पत्थर निकल गए हैं, पाया के समूचा पत्थर जो है टूट रहा है, इसको मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पुल की नींव ही खोखली होती जा रही है?
इसके लिए आपको पुल के ऊपर से सोन नदी की ओर देखने पर हकीकत पता चलती है। इस पुल के 200 मीटर आगे या 200 मीटर पीछे बालू निकालना मना है। मनाही के बावजूद लगातार न सिर्फ बालू पाए के आसपास से निकाला जाता है बल्कि इसके लिए गोलीबारी भी होती है। हरा भरा आप जगह देख रहे हैं वो दरअसल पूरी तरह से बालू से भरा हुआ है। अभी नदी में कुछ पानी है जिस वजह से कुछ इलाकों में बालू का खनन नहीं हो रहा है, लेकिन आप दूर देखेंगे कि बहुत सारे नाव हैं और वो नाव व्यक्ति को इंसान के लिए यात्रियों के लिए नहीं है बल्कि हर नाव पर बालू लदा हुआ है और बालू का खनन हो रहा है। कई बार अवैध खनन भी होता है जिसके चलते यहाँ पर दिक्कत होती है और इस पुल के नीचे जो पाया है उसके आसपास बालू के हटने से उस पर खतरा बढ़ जाता है। तो क्या पुल के इस खतरे से सरकार अनजान है? क्या किसी बड़े हादसे का सरकार इंतजार कर रही है? राज्य के इस अहम पुल की हालत पर कब जागेगी सरकार? लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे इस पुल की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। यहीं से लोग इसी पुल के जरिए ही पटना से आरा, बक्सर, मोहनिया, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली तक पहुंचते हैं और ट्रेन का भी यही रूट है। राजधानी से लेकर शताब्दी ट्रेन तक इस पुल से होकर गुजरती है। कमजोर पुल बड़ा खतरा है, इस पर कुछ जानकारों ने जो बताया वो खौफनाक है। एबीपी न्यूज ने कमजोर पुलों की पड़ताल की, फिर एक्सपर्ट्स के एक पैनल के सामने खतरनाक पुलों की समस्या रखी। एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि देश में तीन तरह के पुल हैं। पहले वो जो पत्थर से बने हैं, दूसरे वो जो पत्थर के खंभों पर लोहे से बने हैं, तीसरे वो जो सीमेंट, सरिया और रेत से बने हैं। तीनों तरह के पुलों के लिए अलग सुरक्षा मानक होते हैं, तीनों तरह के पुलों के सुरक्षित निर्माण के अलग नियम होते हैं और तीनों पुलों की सुरक्षा जांच के तरीके भी अलग हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं उन पुलों की जिनकी सुरक्षा की पड़ताल हमने की, यानी पत्थर से बने बेहद पुराने पुल। जानकारों की राय में इस तरह के पुल बेहद खतरनाक होते हैं। इनमें कमजोरी के लक्षण ऊपर से नहीं दिखाई देते, इनके ऊपरी रखरखाव से अंदर मजबूती नहीं बनाई जा सकती और जो सबसे खतरनाक बात है वो ये कि किसी खास कारण की वजह से ये कभी भी गिर सकते हैं। डक्टिलिटी है मटेरियल में, जैसे स्टील ब्रिज है, आरसीसी ब्रिज है, सडन फेल्योर नहीं होगा उनका, लेकिन स्टोन ब्रिजेस के केस में ये संभावना बहुत अधिक बनती है कि सडन फेल्योर हो जाए। और सडन फेल्योर होना मतलब कोई उसको करेक्ट नहीं कर सकते आप, एकदम पूरा का पूरा एक कोई पर्टिकुलर स्पान है वो फेल होने की संभावना हो सकती है उसमें। हमारी पड़ताल में सारे पुल पत्थर वाले हैं और काफी समय पहले बने थे। ऊपर से ये मजबूत दिखते हैं पर ये कब गिर जाएंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी पुल की उम्र कुछ बुनियादी चीजों पर निर्भर करती है, मसलन उससे गुजरने वाला ट्रैफिक, पुल जिस जमीन पर बना है उसकी हालत, पुल की भार वहन करने की क्षमता और पुल के चारों ओर का वातावरण। अब अगर पुल बनाने और इस्तेमाल होने के बीच में इन चीजों में बदलाव होता है तो पुल खतरे में है, जो कि पड़ताल के सभी पुलों पर लागू होता है।